अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम हैं प्रेजेंट ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज़ में, जो कि DHA कराची में हैवल का शोरूम है। दिस इज़ द हैवल H6 HEV। ये जो नॉर्मल H6 जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, उसका हाइब्रिड वेरिएंट है। ये पाकिस्तान में अभी एक ही यूनिट कराची में अवेलेबल है। दिस इज़ द थर्ड जनरेशन H6, जो कि 2022 मॉडल है। अलॉन्ग विद ग्रीन एनर्जी, हैवल जो है इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंपनी जो कि ऑटोनोमस ड्राइविंग और ऑटोमेशन को अपनी गाड़ी में इंटीग्रेट कर रहा है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं, डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। इफ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिकली हैवल H6, तो ये 2011 में लॉन्च हुई थी। द फर्स्ट जनरेशन वॉज अ ग्रेट सक्सेस इन द चाइनीज मार्केट। सेकेंड जनरेशन इसकी 2017 में लॉन्च हुई, एंड दिस इज़ द 2022 मॉडल एंड द थर्ड जनरेशन ऑफ इट। ये 1.5 लीटर टर्बो इंजन है, बट द डिफरेंस इज़ कि इसके साथ एक 130 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर भी इंटीग्रेटेड है, विद अ कम्बाइंड हॉर्स पावर ऑफ 245 एंड एन इम्प्रेसिव टॉर्क ऑफ 530 न्यूटन मीटर्स। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल इंजन। दिस इंजन इज़ पेयर्ड विद अ DST ट्रांसमिशन। इसके दूसरे वेरियंट्स में 9-speed DCT और 7-speed DCT ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है। फ्रंट लुक इसकी बहुत मॉडर्न और बल्कि है। स्टैंडर्ड H6 से इसकी ग्रिल डिफरेंट है। इसकी ग्रिल लाइट्स के नीचे एक्सटेंड हुई हुई है, एंड यू कैन सी अ लॉट ऑफ क्रोम इन देयर। हनीकॉम डिज़ाइन है, हैवल का लोगो। हेडलाइट्स हैं, वो ऑल इन ऑल LED हैं विद प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स। DRLs भी दिए हुए हैं अलॉन्ग विद LED फॉग लाइट्स। नीचे इसके फ्रंट माउंटेड पार्किंग सेंसर्स है अलॉन्ग विद क्रोम गार्निश अंडर दैट। इसमें ये नीचे इसका रेडार भी माउंटेड है। गाड़ी में थ्रू आउट आपको पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। बोनेट में कैरेक्टर लाइन्स बहुत विजिबल हैं। जो साइड इसका प्रोफाइल है वो स्टैंडर्ड H6 बहुत सिमिलर है। इसमें जो टायर्स हैं वो हैंकू के 225/55 19 इंच क्रिम्स हैं, जो कि ग्लॉस ब्लैक कलर में है। साइड मिरर्स इसमें रिट्रैक्टेबल आते हैं विद LED टर्न सिग्नल्स, और नीचे ये ग्लॉस ब्लैक का फिनिश है, और कैमरा भी माउंटेड है साइड मिरर में। इसके जो कैरेक्टर लाइंस हैं वो रियर से फ्रंट तक रन करते हैं। क्रोम गार्निशेस नीचे भी दिए हुए हैं, ऊपर भी दिए हुए हैं। दिस ऑल्सो हैज़ पैनोरामिक रूफ। दिस स्पेसिफिक कार हैज़ प्राइवेसी ग्लास, लेकिन ये इंटरनेशनल मार्केट है तो पाकिस्तानी गाड़ी को ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। बैक लुक इसका स्टैंडर्ड H6 से सिमिलर है, जिसकी हाई माउंटेड ब्रेक लाइट्स हैं। H6 में एक स्ट्रेट लाइन रन थ्रू करती है, जबकि इसमें 4 इंडिविजुअल बल्ब्स हैं। फिर ये इसकी LED लाइट्स हैं जो कि रन थ्रू करती हैं। हैवल की बैजिंग, क्रोम गार्निश इधर आती है विद रियर व्यू कैमरा एंड ऑटो ट्रंक। नीचे इसका ब्लैक डिफ्यूज़र आता है, जिसके अंदर पार्किंग सेंसर्स भी इंटीग्रेटेड हैं। बूट स्पेस जो है इसकी अच्छी है, 2 बड़े साइज के सूटकेसेस स्टोर कर सकते हैं। टायर की इन्फ्लेशन किट और नेसेसरी टूल्स दिए हैं। स्पेयर व्हील इस गाड़ी में नहीं आता। ओवरऑल द एक्सटीरियर डिज़ाइन ऑफ हैवल H6 HEV इज़ वेरी अट्रैक्टिव। बहुत एरोडायनामिक और बल्कि डिज़ाइन है। चाबी इसकी स्टैंडर्ड H6 से सिमिलर है। इसके डोर हैंडल्स में कीलेस स्मार्ट एंट्री दी हुई है। स्टेयरिंग इसका जैसे ट्रेडिशनली हैवल की H6 और जूलियन में आता है, सेम है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल है स्टेयरिंग, तो आप इसे आगे पीछे और ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी ड्राइविंग पोजिशन के हिसाब से। हेडरूम इसका अच्छा है। मेरी हाइट 5'10" है, एंड आई एम वेरी कम्फर्टेबल इन दिस। नी रूम भी इसका सही है, लेकिन पीपल ओवर 6 फुट उनको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसकी जो सीटें हैं वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, तो 6-way पावर्ड सीट्स हैं, आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। सीट्स की कुशनिंग इसकी बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट सीट्स हैं, लेदर सीट्स हैं इसमें, और आर्मरेस्ट भी लेदर का है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन वो बहुत मॉडर्न है। इसमें एम्बियंट लाइटिंग भी आती है, जो कि डैशबोर्ड और फ्रंट डोर पैनल्स में इल्यूमिनेट करती है। जो स्टैंडर्ड H6 में डैशबोर्ड बहुत सिमिलर है, उससे आपको हर जगह लेदर का इस्तेमाल मिलेगा। स्टेयरिंग भी लेदर स्टिच्ड है और बहुत प्रीमियम क्वालिटी है। पुश स्टार्ट का फीचर इसमें दिया हुआ है, तो आप बटन के थ्रू इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो एक डिजिटल स्क्रीन है, उसमें आपको स्पीड डिस्प्ले हो रही है लेफ्ट हैंड साइड पर। फिर आपको मिडल में इसकी जो बैटरी की चार्जिंग परसेंटेज है वो भी शो होती है। नीचे आपका गियर भी इंडिकेट करता है कि कौन से गियर में, और ये गेज भी दिया हुआ है कि कितनी पावर गाड़ी कंज्यूम कर रही है। सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। इस गाड़ी में हेड्सअप डिस्प्ले भी आता है, जो कि स्टैंडर्ड H6 से एक एक्स्ट्रा फीचर है। ये आपके ऑडियो कंट्रोल्स हैं, जिससे आप वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हैं। इससे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को नेविगेट कर सकते हैं। जो क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन है वो यहाँ दिया हुआ है। इसकी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो 12.3 इंचेस की स्क्रीन है और बहुत रिस्पॉन्सिव है। इसमें जो स्टैंडर्ड H6 है उससे थोड़े डिफरेंट फीचर्स हैं। इसमें Level 2 ऑटोनॉमी आती है, जिसमें 22 इंटेलिजेंट फीचर्स हैं, जो कि ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम्स होते हैं, विच इंक्लूड ऑटो पार्किंग।
ये गाड़ी पैरेलल पार्किंग कर सकती है ऑटोमेटिकली, ये अपने आप को खुद स्टेयर करेगी। इसमें ऑटोमेटिक रिवर्स का भी फीचर है जो कि यूरोपियन गाड़ी में एज ए प्रीमियम फीचर दिया जाता है। तो ये गाड़ी आपकी जो रूट है मेमोराइज़ करेगी और 50 मीटर्स तक आपको ये ऑटोमेटिकली रिवर्स भी कर देगी। इसमें 360 डिग्री कैमरा भी अवेलेबल है। ट्रांसमिशन इसमें DHT आती है। इसका लीवर ऐसे नॉब के शेप में, जो कि दूसरे हैवल के मॉडल्स में भी आता है। ये ट्रिप्ट्रॉनिक नहीं है तो इसे आप मैन्युअली गियर्स चेंज नहीं कर सकते। यहाँ ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक है विद इको आइडलिंग फंक्शन। इसमें वायरलेस चार्जर है जो कि फास्ट वायरलेस चार्जर है। इसके ये AC के कंट्रोल्स हैं। इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है और इसमें पीछे भी AC वेंट्स आते हैं। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स हैं। स्टोरेज स्पेसेस गाड़ी में अच्छी हैं। डोर पैनल्स में भी आपको कप होल्डर्स मिलेंगे, पैसेंजर साइड पे भी है, पीछे वाले जो डोर्स हैं उसमें भी आपको कप होल्डर्स मिलेंगे। यहाँ भी आप अपने कप स्टोर कर सकते हैं और नेसेसरी स्टोरेज कंपार्टमेंट है। ये आर्मरेस्ट के अंदर भी स्टोरेज है। इसका ग्लव बॉक्स भी है इधर, डिसेंट साइज़ का है। और स्टोरेज स्पेसेस ऑल इन ऑल इस गाड़ी की अच्छी हैं। दिस कार इज़ पैक्ड विद सेफ्टी फीचर्स। इसमें एयरबैग्स आते हैं फ्रंट पैसेंजर्स के लिए, पिलर्स पे भी हैं और कर्टन एयरबैग्स भी आते हैं। इसमें सारे नेसेसरी सेफ्टी फीचर्स, व्हीकल सेटिंग में जाके आप इसकी इंटेलिजेंट ड्राइविंग में जाके फ्रंट असिस्ट सिस्टम जो है उसके पैरामीटर सेट कर सकते हैं। सेंसिटिविटी आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेन असिस्ट सिस्टम को आप इसकी सारी इमरजेंसी लेन कीपिंग ये सब एडजस्ट कर सकते हैं। साइड असिस्ट सिस्टम को आप रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, और इसमें बहुत सारे और फीचर्स हैं जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये ट्रैफिक साइन इन्फॉर्मेशन है जो कि आप स्पीड वार्निंग सेंसिटिविटी और ये सब एडजस्ट कर सकते हैं। ABS, VSC, डाउनहिल असिस्ट, सारे फीचर्स इसमें गाड़ी में इंक्लूडेड हैं जो कि रोड सेफ्टी को आपकी इन्हेंस करते हैं। जो इसका रेयर सीट्स का लेगरूम और हेडरूम है वो बहुत इंप्रेसिव है। हेडरूम काफ़ी अच्छा है और ये सीट फुल पीछे हुई है, फिर भी आई हैव इनफ लेगरूम। इसमें पीछे रेयर AC वेंट्स भी दिए हुए हैं अलॉन्ग विद 2 चार्जिंग पोर्ट जहाँ आप अपने डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं। रेयर रो में 3 पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। सीट्स की जो कुशनिंग है वो बहुत सॉफ्ट है और ओवरऑल जो इसका रेयर रूम है वो बहुत कंफर्टेबल है। ओवरऑल हैवल H6 HEV बहुत ही अट्रैक्टिव गाड़ी है। इसके पावर फिगर्स भी बहुत अच्छे हैं। परफॉर्मेंस इस गाड़ी की एग्जेम्पलरी है। इट इज़ अ कम्प्लीट पैकेज। इसमें ऑटोनोमस फीचर्स हैं दैट इज़ क्लास लीडिंग इन पाकिस्तान। एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो इसकी 7.7 मिलियन है। लोकल असेंबली भी इसकी एक्सपेक्टेड है इन द नियर फ्यूचर। जैसे BJ40+ लाहौर में अभी असेंबल हो रही है। साजगार ऑल्सो हैज़ प्लान्स टू असेंबल दिस कार इन द नियर फ्यूचर। ऑल्दो के इसमें बहुत इनोवेटिव और हाई टेक फीचर्स दिए हुए हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये फीचर्स कितने सूटेबल हैं पाकिस्तानी रोड्स और कंडीशन के हिसाब से। दिस पर्टिकुलर वेरिएंट इज़ हेयर फॉर कस्टमर फीडबैक। ये कराची में ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज़ जो हैवल का शोरूम है उसमें कंज्यूमर फीडबैक के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप भी चाहते हैं एक्सक्लूसिव टेस्ट ड्राइव इसकी अवेलेबल है, आप इसे टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं और इन पर्सन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये रिव्यू इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको नई हैवल H6 HEV कैसी लगी। नई गाड़ियों की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, उनके स्पेक्स, फीचर्स, प्राइस के लिए पार्क व्हील्स के ऐप को विजिट करें। ऐसी रिव्यूज़ देखने के लिए पार्क व्हील्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें। थैंक यू।